बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। तो पिछले लेक्चर में हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर की हमने डिफिनीशन की थी, व्हाट इज अ रियल नंबर। रियल नंबर को हमने कैटेगराइज किया था दो हिस्सों में, यानी रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ अ रेशनल और अ इरेशनल नंबर। कि वह हमारे पास क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर के कम्बिनेशन। उसको अगर हम इकट्ठा कर ले तो उसको हम कहते हैं कि क्या है, रियल नंबर सेट है। आज हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर की तो हमें ज़रूरत, यानी जितने भी नंबर थे वो हमारे पास क्या थे, रियल नंबर थे। तो कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आए, तो इसकी डिटेल ये है कि हम जितने भी रियल नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर ले ले, यानी कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका अगर हम स्क्वायर ले ले तो उससे हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई नंबर ले ले -3, ये क्या है, एक रियल नंबर है। अब अगर इसका हम स्क्वायर ले ले, स्क्वायर मीन्स कि -3 को दो बार मल्टीप्लाई कर ले, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो इससे हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस पॉजिटिव 9 आता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल -5, ये क्या है, एक रियल नंबर है। इसका अगर हम स्क्वायर ले ले तो इससे हमारे पास 25 आता है। यानी जितने भी रियल नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर ले ले तो हमारे पास 25 आता है। तो इसके बारे में बहस चढ़ गई कि कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर ले ले तो जवाब में नेगेटिव आंसर है, पॉजिटिव नहीं आया, तो आया है नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर आया है। तो आया कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका अगर हम स्क्वायर ले ले तो उससे जवाब नेगेटिव आ जाए। तो एक मैथमेटिशियन था, उसने एक नंबर लिया, वो नंबर क्या था, √-1। ये एक नंबर था, उसका स्क्वायर लिया, यानी -1 स्क्वायर, तो इससे हमारे पास नंबर आ गया -1। ये देखें -1 √ का उसने स्क्वायर लिया और उससे हमारे पास आंसर आ गया नेगेटिव। तो इस बात में बहस चढ़ गई कि ये तो एक नंबर एग्जिस्ट कर गया, हमने तो कहा था कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका अगर हम स्क्वायर ले ले तो जवाब नेगेटिव आता हो, लेकिन एक नंबर यहाँ पर ऐसा आ गया, वो क्या था, √-1, जिसका अगर हम स्क्वायर भी ले लें जवाब में नेगेटिव आता है। तो उसको मैथमेटिशियन ने एक दूसरा नाम दिया कि ये तो रियल नंबर है ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर की तो ये प्रॉपर्टी है कि उसका अगर हम स्क्वायर ले लें जवाब में पॉजिटिव हिंसा आता था। लेकिन इस नंबर का उसने स्क्वायर लिया, स्क्वायर के बावजूद नेगेटिव नंबर आ गया, तो उसने कहा कि दिस इज अ नॉट रियल नंबर। तो इसको नाम दिया गया √-1 को, √-1 को उसने नाम दिया कि ये क्या है, आयोटा है, एक ग्रीक अल्फाबेट, इसको नाम दिया गया आयोटा कि ये क्या है, आयोटा है और ये नॉट अ रियल नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। क्योंकि रियल नंबर की तारीफ ये है कि उसका अगर हम स्क्वायर ले ले जवाब में आंसर पॉजिटिव आता है, और इसका स्क्वायर लेने के बावजूद जवाब नेगेटिव आ रहा था, तो इसको नाम दिया कि ये क्या है, रियल नंबर नहीं है, और इसको एक ग्रीक अल्फाबेट आयोटा, आयोटा को हम डिनोट करते हैं, यानी -1√ = आयोटा, इस तरह हम इसको डोनेट करते हैं। तो आयोटा की वैल्यू हो गई √-1, और आयोटा स्क्वायर की अगर बोथ साइड पर हम स्क्वायर ले ले, यहाँ पर भी स्क्वायर ले ले और √-1 का भी स्क्वायर ले ले, तो जवाब में आंसर आता है -1, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया। अब यहाँ से डिफिनेशन चिढ़ गई किस चीज की, कम्प्लेक्स नंबर के, यहाँ से डिफाइन हो गया कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन है अ नंबर
विच कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। वो नंबर जिसको हम ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिख सके तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेयर ए और बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और भी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो अगर कोई नंबर हम ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिख ले तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जांपल 5 प्लस 3 आयोटा, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए की जगह यहाँ पर ए प्लस बी आयोटा यहाँ पर लिख ले, ए प्लस बी आयोटा, ए की जगह 5, बी की जगह 3 और आयोटा तो यहाँ पर वो ही आ गया। तो कोई भी नंबर ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म अगर हम लिख ले इसको तो ये हम कहते हैं कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जनरली इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, यानी ए प्लस बी आयोटा ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जिस तरह हमने लिख लिया 5 प्लस 3 आयोटा तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं रियल पार्ट, एक को कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट। रियल पार्ट कौन सा होता है, रियल पार्ट वो पार्ट होता है जहां पर कांस्टेंट वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल यहां पर ए है तो ये क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट। यहां पर जो आयोटा वाला टर्म है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट। इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसको हम इमेजिनरी पार्ट भी कह सकते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है जेड इज इक्वल टू 9 प्लस 3 आयोटा। इसमें अगर कोई हमसे पूछे कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो इसमें हम लिखेंगे कि रियल पार्ट, रियल पार्ट इज इक्वल टू 9। इसमें क्या है, रियल पार्ट है। सेकंड कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 आयोटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के हम दो हिस्से लिख सकते हैं, एक को हम कहते हैं रियल पार्ट, दूसरे को हम कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो एक्चुअली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट, सेकंड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट। इस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। शुक्रिया।